रात में एमएसीबी का सप्लाई पावरफुल हो गया तो क्या हो गया, फ्लक्चुएशन हो गया तो इसकी वजह से जल गया है। इसकी वजह से एमएसीबी ट्रिप हो रहा था उधर। अभी कुछ तो जुगाड़ करने का, उसका छोटा वाला इसको लगाएंगे और चालू करेंगे, ऐसा बोल रहे। हाँ गणेश, अरे डेंटिंग एरिया में बुला रहे गणेश, चलो। ये डेंटिंग एरिया कौन सा, ये है ना। काल जेव्हा फेस गेला होता ना, कुणाला माहिती नव्हतं तिकडे कंप्रेसरचा कांड झाला, इकडे याचा कांड झाला। काल फेस गया होता ना तो कंप्रेसर चालू होता, यहाँ पे मिगवेडर चालू था, दो फेस गए थे, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। कंप्रेसर भी खराब हो गया और ये भी खराब, मगर नहीं चल रहा है अभी, वो चेक करना पड़ेगा। कंप्रेसर का चेक किया, पूरी वायरिंग जल गई है, तो उसका तो पूरा अभी मोटर का वायर करना पड़ेगा, बाइंडिंग करना पड़ेगा। अभी इसका देखना है क्या हुआ इशू। वेल्डिंग मशीन है ना। हाँ, मिग वेल्डर है, एक टाका मारला अचानक बंद झालं, नंतर वाटलं ठीक आहे त्याचं फेसचं इश्यू आहे त्यामुळे आम्ही काही लक्ष नाही दिलं, ठीक आहे उद्या बघू म्हणून। आहे सप्लाय, आज आहे, काल नव्हता ना। वेल्डिंग मशीन का वायर लेलं जरा। सलमान मेसेज इसका ना, वेल्डिंग मशीन का वायर ले क्या। अभी एक बार उधर जाओ, चालू होते का देखो एक बार। ऑन झालेलं आहे, इथं काहीतरी प्रॉब्लेम झाला ना, काल फेस गेला होता वायरिंगचा। गेला फ्यूज, कल चेक किया था मल्टीमीटर से चालू था, चालू था ना, वही सर्किट का है फ्यूज, फिर भी चेक करो ना उसमें। चेक करो मल्टीमीटर लगा, मल्टीमीटर लगा आया है क्या, कौन गेला का तू। हेलो, कंप्रेसर तो अभी चल नहीं सकता, एक दो दिन वाइंडिंग और इसमें जाएगा, आज संडे ऊपर से। तो एक तो वो चेक कर रहे हैं कि अगर छोटे वाले कंप्रेसर में पाइप उसका अगर ये कर दिया तो आपने सैंडर वगैरह बेसिक चालू हो सकते हैं क्या, वो एक देख रहा हूँ इनसे पूछ के, अगर हो गया तो वैसे कर लेंगे, वरना फिर पेंटर लोगों को आज। ठीक है, बात करते। पेंट बूथ का कंप्रेसर चल रहा है ना। हाँ, मिग वेल्डर मतलब कल वही लगा कि उसकी वजह से हुआ होगा, आज सुबह आके देखा तो आज भी नहीं हो रहा है उसका, चल नहीं रहा। हाँ पूछा ना मैंने, वो बोल रहे हैं एक टाका मारा उसके बाद पूरा बंद हो गया, तो ये सब साथ में ही हुआ है, शायद लोड की वजह से या बाहर कुछ हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, उसके वजह से इधर का बंद हो गया। हाँ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, देख लेता हूँ मैं एक बार। अभी उसका मोटर जल गया ना कंप्रेसर का, वर्कशॉप का काम रुका है पूरा, तो देख रहे हैं अगर उसका मोटर मिल गया नया, क्योंकि इसको रिपेयरिंग में जाएगा दो दिन, तो अगर नया मोटर मिल गया तो बैकअप में रहेगा और इसको भी रिपेयर करके रख देंगे, वही देख रहे हैं अभी उसका। पूना का बेस्ट मोच मेरा हो गया। देखा नहीं तुमने? देखा देखा, कल बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। अक्षिल बियर्ड था, फुल बियर्ड था, मुस्टैच था, मुस्टैच में मिला। मेरे को उम्मीद नहीं था मिलेगा, मेरे से भी अच्छे थे एक दो, सब यंगस्टर है, 28-30, मैं अकेला 62 साल। 62 मतलब 62 क्या आप लगते तो होने 26 का हूँ बे 62 62 मतलब 26 हिंदी में। अभी पैसा लगेगा, अभी पैसा लगेगा, सरप्राइज दूंगा, इधर आने की सरप्राइज मिल गया सुबह सुबह। सब पार्ट लाइफ का, सब पार्ट है, चलता रहता है। हाँ वो तो है।
ये सब चीज से घबराने से कुछ होगा नहीं। घबराने का नहीं, वो गाड़ी लिफ्ट पे अटक गई, वो कंप्लीट करना था, कस्टमर होता है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम हो जाता है, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अच्छा खासा बंद हुआ था बीच में, अभी वापस चालू हो गया, करंट लगती रहती है हर जगह। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, देखिए ना, अच्छा लग रहा है ना अभी। है अभी भी बाकी, ये भी भरेंगे पूरा धीरे। अच्छे खासे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, हर्षल बस बढ़िया बढ़िया कलर्स बनवाता रहता है। सर आप बैठ जाते ना ऊपर आराम से। अच्छा व्हिस्की तू कहाँ घुमाने लेकर गया था उसे? हेलो मैम। नहीं मैं भी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जब दूर से कोई हमारे पास आता है। ऑफ कोर्स हमें बुरा इस चीज का लगता है कि हम सबको नहीं सर्विस दे पाते, बट जो लोग एटलीस्ट हमारे तक आ सकते हैं तो वी फील गुड कि हम उनकी मदद कर पाते हैं। तो आप सब हमारे वीडियोस देखते हैं क्या? अरे वाह, ये भी हमने पीपीएफ करी है 2 हफ्ते पहले, वॉशिंग के लिए आए थे वो। लेकिन हम यहाँ ही कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। आपकी मेरे से जब फोन पे बात हुई थी आपने बोला था मेरे को वो चीज, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा ये चीज। मैम देखो हम आज जहाँ पर है ना, हम एक ही रीजन है जो एटलीस्ट मैं मानता हूँ, हमारी ऑनेस्टी है। तो हम ऑनेस्टी से जो काम करते हैं वही दिखाते हैं। मैम वी वेरी ऑनेस्ट विद आवर कस्टमर्स, चाहे अपनी गलतियां भी हो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो कहीं इट हेल्प्स अस टू सस्टेन इन दिस बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म। चाहे शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई कस्टमर वापस चला जाए, बट लॉन्ग टर्म में हम उस चीज को रिटेन करके रखते हैं, वो रिस्पेक्ट बनती है किसी के मन में। गणेश कपड़ा मरवाया गाड़ी पे, टॉपकोट लेके पूरे गाड़ी पे एक बार कपड़ा मारेगा। पीछे कुछ रखना उसके, मोबाइल ले क्या जा, उल्टे पुल्टे काम करता रहता है। बाबू हमारे पास ग्राइंडर्स कितने हैं? एक, अरे वो ग्राइंडर नहीं, छोटा वाला सैंडर, हाँ डाई ग्राइंडर बोलते हैं उसको। कहाँ है दिखा, ये कहाँ से मंगाया था? ये वुर्थ का है? ओके, और किधर है जो खराब है या कुछ है? दास के पास। तो अभी ये एक चल रहा है, ये दोनों चल रहा है ये, लेकिन दबाने से पूरा इसका कंट्रोल नहीं होता है। इसका कंट्रोल होता है जो सिलेंडर बनने वाला जो गन है ना, हैंड गन। हैंड गन क्यों चाहिए? न्यूमेटिक गन है अपने पास। टूट गया किससे? सिलेंडर सूख गया था सर, तो उसकी वजह से यहाँ से उतर गया। किससे हुआ? मैं कर रहा था। तो तूने बताया क्यों नहीं? बताया मैंने सर को पहले, उसी दिन बताया। ठीक है, लाने के लिए कहाँ से मिलेगा? और क्या टूल्स का प्रॉब्लम है? हम लोग अभी पूरा सारा लिस्ट तैयार कर रहे हैं वर्कशॉप में, क्या क्या चीज़ों की मेंटेनेंस की जरूरत है। क्या होता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ना, तो चीज़ें कहीं मिस हो जाती हैं, पर टाइमली मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ अभी जो जो प्रॉब्लम है सब कुछ रेक्टिफाई कर रहे हैं। शुभम इधर लिख उसमें 12-13 का रिंग पाना, मैनुअल सीलेंट गन, एंगल डाई ग्राइंडर, पीटी वगैरह अगर मंगा देंगे तो लोग बढ़ गए तो 1/4 की लिख, 1/4 की टूल की पेटी और हाफ की टूल की पेटी एक लिख, 1/4 की 3 लिख। टूल्स का ना आज एक बार पूरा हिसाब करना है, ठीक है? एक बार सारा चेक करते हैं कहाँ क्या मिसिंग है क्या नहीं, और उसके बाद लिस्ट बना के ऑर्डर डालते हैं। ये लिख प्लास्टिक ट्रिम रिमूवर किट, और ये लिख 3 टन का बॉडी जैक। रियाज एक मिनट इधर आ, सारी पाइपलाइन चेक कर, सब में ऑयल वगैरह है कि नहीं, एक बार सारी ये यहाँ की सारी चेक कर, और ऑयल का डिस्पेंसिंग का स्पीड। डेंट पुलर अपने वुर्थ के दोनों ठीक है। यहाँ पर सैंडर कितने हैं अपने पास? दुना का है, पेंट मार रहा है क्या? अगर पेंट नहीं मार रहा तो बुलाना उसको। एयरगन लिख। सैंडर अपने जो तीन ये बोल रहे हैं, 3 सैंडर है, तीनों ठीक चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है? अपनी पेंट गन्स ठीक है या कोई प्रॉब्लम है किसी में? ये है ना, लीजिए इसका, जैसे हवा लगा था ना इधर से लीकेज था, बीच में आया था करके गया, खराब हो गया 2 दिन में, फिर आया फिर वापस कुछ तो डाल के गया, 2 दिन चला फिर वापस हो गया। डेविल बिस का गन का लिख, ब्लू वाली गन का, एयर लीकेज इशू। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इन चीज़ों की, ये टूल्स वगैरह हैंडल ठीक ढंग से करने का, और शाम को जाने से पहले रोज देख करेगा तो ही फायदा है। लड़के लोग को अपने टूल्स वगैरह ठीक से हैंडल करने के लिए और रखने के लिए ठीक ढंग से,
लड़कों को समझा, ठीक है। अच्छा दूसरी एक चीज तेरे को हिसाब करना है, अभी उधर की ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही है, उधर की ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही है, सारी इधर से लेके उधर तक सारी वर्कशॉप की सारी ट्यूबलाइट चेक कर, जितनी जितनी प्रॉब्लम दे रही हैं वो सारी रिप्लेस करनी है, मेरे को हिसाब निकाल के एक वर्किंग करके दे कितनी ट्यूबलाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है। एक ही बारी में सारा मेंटेनेंस कर डालेंगे, पेंट बूथ की भी, पेंट बूथ के अंदर भी जो ट्यूबलाइट प्रॉब्लम दे रही है, पेंट बूथ की ट्यूबलाइट अलग है, ये सब LEDs अलग है, वो वाली अलग है, अगर कोई है उसमें भी तो पेंट बूथ की सेपरेट लिस्ट देना, बाकी वर्कशॉप की सेपरेट लिस्ट देना। दुष्मंत कल सुबह तूने स्टोर मेरे साथ में करने का है, गणेश के साथ मेरी मीटिंग हो गई है, हमने पूरी लिस्ट बना ली है जो जो काम अभी वर्कशॉप में करने हैं और जो जो टूल्स एंड इक्विपमेंट का नया ऑर्डर डालना है, कल बैठेंगे लिस्ट पे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी सबको 7:30 तक छोड़ दूं, मतलब बाकी सब तो चले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी टाइम पे घर जाना जरूरी है। तो कमेंट ऑफ द डे आज जो है वो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है नेवी गाय का। नेवी गाय पता है बीच में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ता है, इंटेलेक्चुअल। क्वेश्चन ये है, व्हेन यू स्टार्टेड द यूट्यूब चैनल डिड यू एवर इमेजिन 5-year-olds एंड फैमिलीज रिलेटिंग टू योर प्योरली टेक्निकल ऑटोमोटिव कंटेंट? सो द आंसर टू दैट इज नो, हम लोगों ने सोचा नहीं था, बट कभी कभी क्या होता है, थिंग्स वर्क आउट फॉर गुड। हम लोग अब रियलाइज कर रहे हैं कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के हमारा कंटेंट देखते हैं, एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने अच्छे तरीके से चीजें समझा सके और जितने लेमन टर्म्स में चीजें समझा सके उतना समझाएं, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू ऑल आर लाइकिंग इट। Thank you for watching our videos.